देश के चर्चित पत्रकार रोहित सरदाना का पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद हार्ट अटैक से निधन हो गया। यह खबर जब सुधीर चौधरी ने जी न्यूज के सुधीर चौधरी ने ट्वीट करते हुए बताया तो लोग हतप्रभ रह गए और ऐसी कल्पना नहीं की और एकदम अविश्वसनीय खबर थी। रोहित सरदाना लगभग 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने काम कर रहे थे। इससे पहले जी न्यूज में भी उन्होंने काम किया है और ईटीवी और आकाशवाणी में भी उनका योगदान रहा है काम करने का। और यही नहीं, जब वो काम करने अलग अलग जगहों पर गए थे तो एक निजी इंटरव्यू में कहे थे कि हम फिल्मों में पहले जाना चाहते थे, मगर उसके बाद हमें टीवी पर दिखने का बहुत शौक था। ऐसे कई बातें और इंटरव्यू में बड़ी बेबाकी से कहे जाते थे। उनका कहना था कि मेरा हाइट छोटा है इसलिए शायद NSD में सेलेक्ट नहीं हो पाया, और भी अलग अलग प्रकार के कहानियाँ वह कहते थे। मगर जिस प्रकार से पिछले 7-8 सालों से वो चर्चाओं में रहे और अलग अलग शो के जरिए देश में एक पहचान बनाने का प्रयास किया, अभी उतनी उम्र नहीं थी, लगभग अभी 40 साल भी अभी उनके नहीं पूरे हुए थे, 39-40 साल के आसपास उनका एज है, और जो उनका पत्रकारिता का जो एक चर्चा का विषय था, उनका शो जो था ताल ठोक के और दंगल, जिस प्रकार से वह करवाते थे, तो कहीं ना कहीं उसमें वह करोड़ों जनमानस तक अपनी एक पहुंच, अपनी बातों की पकड़ और लगभग करोड़ों लोगों को वह अपना फॉलोअर बनाए हैं। चाहे वह ट्विटर हो, वहाँ पर 4-5 मिलियन उनका फॉलोअर है, या फिर फेसबुक हो, या फिर इंस्टा, सोशल साइटों पर, तमाम जगहों पर इनका सोशल साइटों पर चलते रहता है। उसी प्रकार से इसमें भी अभी जिस प्रकार से निधन की ये खबर लगी है, पत्रकारिता जगत के लिए ही नहीं केवल एक गहरा दुखद खबर है, बल्कि यह मानवता के लिए भी एक दुखद खबर है। क्योंकि जिस प्रकार से तमाम मुद्दों के साथ रोहित सरदाना आते थे, लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं इनसे बंधी रहती थी, ये खबर उठाएंगे, ये खबर उठाएंगे, ऐसे सुधीर चौधरी के ट्वीट के बाद ही ऐसी खबरें आई। उसके बाद लोग श्रद्धांजलि व्यक्त करने लगे और लोग यह उम्मीद नहीं कर रहे थे, मगर कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से अपनी भयावह रूप दिखाया है तो यह कहना होगा लोगों की सतर्कता और ज़्यादा बरतनी होगी। इससे पहले रिपब्लिक भारत के एक रिपोर्टर का निधन हो गया था कोरोना महामारी का, जो दिल्ली दंगों में खबर किए थे, मगर अभी रोहित सरदाना का ये निधन न केवल पत्रकारिता जगत के लिए बल्कि कह सकते हैं ये पूरे देश के लिए क्षति थी। क्योंकि जिस बेबाकी के साथ वह मुद्दों के साथ अपने शो में आते थे, वह एक प्रेरणादायक रूप था, जो नए नए पत्रकार थे वह देखते थे और सीखते थे, और कहीं ना कहीं जो पिछले एक दशक से जो इनका नाम और फेम बन रहा था पत्रकारिता जगत में, उससे कई युवा भी सीख रहे थे। अभी इतना ही कहेंगे कि रोहित सरदाना का बेहद दुखद खबर है और यह पत्रकारिता जगत के लिए कह सकते हैं कि इतने सारे अवार्ड जीतने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी, 2018 में इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था, यह हरियाणा कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे, और मगर जिस प्रकार से निधन हुआ है, कोरोना महामारी जिस प्रकार से एक प्रकार से कह सकते हैं भयावह रूप दिखला रही है, यह सभी लोगों की सतर्कता के लिए एक बहुत बड़ा बात है। और अभी इतना ही कहेंगे, भगवान इनकी आत्मा को शांति दें।